विंध्य विलय दिवस पर विंध्य विकास पार्टी के प्रत्याशी मनीष पांडे ने कहा कि अगर मुझे जनता मौका देती है तो हम भोपाल के दक्षिण पश्चिम इलाके का विकास करेंगे। विंध्य प्रदेश की विलय दिवस के अवसर पर पृथक विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे लोगों ने भोपाल में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इन कार्यकर्ताओं को इस बात का अफसोस है कि विंध्य को मध्य प्रदेश में विलय होने के बावजूद विंध्य का विकास नहीं हो पाया और इसी को लेकर भोपाल में सुंदरकांड पाठ के जरिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। भोपाल दक्षिण पश्चिम से विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे मनीष पांडे ने कहा कि अगर वो चुनाव जीते तो वे इलाके का भरपूर विकास करेंगे और जो जहां बसा हुआ है उसे वहीं पक्के मकान बनाकर देंगे। अगर छोटे राज्यों की परिकल्पना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी तो कोई गलत नहीं की थी। आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड, हमारे मध्य प्रदेश से ही देखिए छत्तीसगढ़ टूट के कितना डेवलप हो गया। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ आज हमसे विकास में बहुत 21 आगे पहुंच गया। तो जब हमारा विंध्य प्रदेश ऑलरेडी 1956 के पहले स्टेट था तो क्यों ना विंध्य प्रदेश को फिर से स्टेट बना दिया जाए। मैं इसी मांग के साथ और दक्षिण पश्चिम की कर्मचारी बाहुल्य जनता की कर्मचारियों की सेवाओं के लिए और जितने भी हैं भीमनगर सबके पक्के मकान और विकास की योजनाओं के साथ में इस चुनावी अभियान का श्री गणेश करता हूं। धन्यवाद। जय बिंद। फिर है रण की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।